सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार मेरी ओर से, और हमारा जो हाईकमान की तरफ से मुझे यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहन कुमारी शारजा जी, मैडम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने सढ़ोरा की एरिया में यहाँ पे प्रत्याशी बन के आऊँ, और अगर मैं यहाँ से मैं पब्लिक का विश्वास आशीर्वाद मुझे मिलता है और यहाँ से विधायक बनती हूँ तो मैं जो जनता का यहाँ से सढ़ोरा की जो जनता है उनको उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो सढ़ोरा का विकास है उसको अपने पूरे ईमान से पूरा करने की कोशिश करूँगी। देखिए विकास आप लोग सभी जानते हैं कि कितना विकास हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। मैं जैसे सढ़ोरा क्षेत्र में घाट क्षेत्र में गई हूँ, वहाँ पे कोई भी इतना भी विकास कार्य नहीं है जितना होना चाहिए, और पब्लिक में हम लोग जाते हैं तो पब्लिक की डिमांड होती है जी के सढ़ोरा क्षेत्र की जनता को जो विकास होना चाहिए, जबकि यहाँ पे विधायक भी बनते हैं, रह के भी गए हैं, मौजूदा भी हैं जो भी, तो जितना विकास सढ़ोरा की जनता अपने विश्वास से विधायक को चुनती है, उनके सपनों को साकार करती है विधायक के, विधायक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको सुने और उनके जो विकास कार्य डेवलप के कार्य हैं उनको पूरा करें। ऐसा कोई कार्य जो पिछले 5 साल में आपकी नज़र में ना विकास हो पाएगा? देखिए ऐसे तो विकास कार्य काफ़ी सारे हैं, तो पब्लिक हम तो जो जो जाते हैं पब्लिक बताती है हमें हमारे ये काम नहीं हो रहे हैं, हमारे ये काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जो भी पब्लिक की डिमांड है उनकी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरूं और जो उनके कार्य हैं वो पूरा करूं। एक तो हमारे जो युवा नौजवान हैं, एक तो बेरोज़गारी की बहुत समस्या है, सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए आवाज़ उठाऊंगी कि जो बेरोज़गारी है युवाओं की वो दूर की जाए। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले मैं यही ऑप्शन उठाऊँगी कि युवाओं को रोज़गार मिले। हमारी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने मैडम रेणुवाला का हमारे हल्का सौरा से टिकट पक्का किया है। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर एक ही अपील है कि सभी साथी ये सोचकर कि मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसमें पहुंचे हमारी पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, पिता समान बड़े बुजुर्ग नौजवान भाई, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने हमें प्यार दिया है और आशीर्वाद दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाली 21 तारीख है उसमें एक अलग ही नजारा होगा। हमारे जितने कार्यकर्ता साथी यहाँ आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि कोई भी घर ऐसा न रहे जहाँ हमारे निशान दबाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार।